दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म निकल गए हैं। आप सही सुन रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म निकल गए हैं। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ प्रोस्पेक्टस 2022-23 का। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिलेंगे। इस इंट्रोडक्शन में जामिया के बारे में है, जामिया का क्वालिटी के बारे में। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये डेट शीट्स। ये डेट शीट बिल्कुल टेंटेटिव है। अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं आई, यानी कोरोना नहीं आया, तो आपको यही शेड्यूल होने वाला है। क्या है ये शेड्यूल? फॉर्म अवेलेबिलिटी जो होगा वो 14 अप्रैल से, ठीक है, 14 अप्रैल से लेके आप 12 मई तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। कब से कब तक? 14 अप्रैल से लेके 12 मई तक, ठीक है। उसके बाद 12 मई के बाद फॉर्म खत्म हो जाएगा। फिर जो आपने गलतियां की होंगी, कोई जरूरी नहीं आप गलती करें, अगर फॉर्म भरते वक्त किसी गलती हो जाती तो जामिया ऑप्शन देता है फॉर्म को एडिट करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो फॉर्म एडिटिंग का जो ऑप्शन मिलेगा मई 13 से लेकर मई 15 तक, 13 को 14 को 15 तक, यानी 3 दिन तक आप फॉर्म एडिट कर सकेंगे। आपका एडमिट कार्ड जो शुरू होगा मई 16 से, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और टेस्ट आपका होना शुरू हो जाएगा 2 जून से। अब डिपेंड करेगा, अगर पैंडेमिक सिचुएशन सही रहा, मतलब पैंडेमिक मतलब आपको कोरोना खत्म ही है लगभग, ऐसा ही रहा तो आपको सही टाइम से एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। नहीं तो अगर चौथा वेव आया, यानी फोर्थ वेव आया, तो हो सकता है डेट आगे भी पोस्टपोन हो जाए। लेकिन टेंटेटिव डेट्स यही है कि 2 जून से आगे आपके एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और आपका रिजल्ट आने की जो डेट है वो आपका 30 सितंबर ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। चलिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा, क्योंकि आप लोग पूछेंगे यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबका अलग अलग बताइए, तो चलिए अलग अलग भी बता देता हूं। अलग अलग ये रहा चार्ट, इस चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए चार्ट। डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर, पीएचडी, जितनी भी है सबका फॉर्म 14 अप्रैल से लेकर 12 मई तक, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें यहां है, बीटेक में जो एडमिशंस होगा वो जेई मेन के स्कोर से होगा। तो यहां पे देख लीजिए 12 मई से इन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट इज 12 मई, ठीक है। टू बी एडमिटेड टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ जामिया कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द ऑनलाइन जेई मेन एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया मिल्लिया एज वेल, यानी जामिया का भी सेपरेट फॉर्म भरना है। अगर आप जेई मेन का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन जामिया का भी सेपरेट 12 मई से पहले कर लेने हैं, ठीक है। पीएचडी के एडमिशन का शेड्यूल 2022-23 का नोटिफाइड सेपरेटली किया जाएगा, ठीक है। बी आर्क में एडमिशन के लिए नाटा का आपको एग्जामिनेशंस देने होंगे और इसका भी फॉर्म भरने होंगे, ठीक है। ये देखिए बी आर्क का भी। उसके बाद आगे देखिए बीडीएस में नीट के स्कोर के थ्रू एडमिशन होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स का पूरा डिटेल्स और इसके फीस और सेमेस्टर वाइज, ठीक है। और नीचे जाते हैं प्रोस्पेक्टस का पूरा खंगालते हैं कि इस साल में क्या तब्दीली, इस साल में क्या चेंजेस आई हैं, क्या पिछले साल से कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। प्रोस्पेक्टस देखेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन फी है 700 रुपया है, बीटेक और बीआर के लिए सिर्फ 550 रुपया है। बाकी बीटेक और बीआर के छोड़ के, बीटेक और बीआर को छोड़ के और ए जितने भी फैकल्टी सेंटर्स हैं उसको छोड़ के आपको 700 रुपया किसका किसका लगेगा देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर मैनेजमेंट, देखिए 700 और 550। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप जिस कोर्स को अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से एप्लीकेशन फीस लगेगा। कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सारे चीज ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन एप्लीकेशन हो जाएगा अगर आप कुछ गलती करेंगे। रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है जैसा था वैसा ही रहेगा। पीडब्ल्यूडी का, इंटरनल स्टूडेंट का, कश्मीरी माइग्रेंट्स का, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर का, फॉरेन कैंडिडेट्स का, जो जैसा रिजर्वेशन है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर का, एनसीसी का, एनएसएस वॉलंटियर्स का, सबका जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही है। कुछ भी इसमें नया तब्दीली नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए मास्टर कोर्सेज के ये सारे एग्जाम सेंटर त्रिवेंद्रम, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, गुवाहाटी पढ़ सकते हैं, किसके? मास्टर डिग्री का, बाकी बैचलर का नहीं, बाकी सबके लिए आपको दिल्ली ही आना होता है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज खोज लेते हैं, इसमें CUET का क्या दिया है, CUET का क्या मसला है, इसमें देखते हैं। CUET का ही मेंशन है, हाँ ठीक है, इसमें लिखा है दे हैव अपीयर टू CUCET, ठीक है। आगे देखते हैं CUCET का क्या है, ये देखिए, ये रहा कमाल की बात है, कौन से कोर्स का CUCET होगा किसका नहीं होगा आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो CUET का दे रखा है, लेकिन BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी है उसका 9 जून को शेड्यूल है। तो समझ सकते हैं जिसका CUCET के द्वारा होने हैं उसका मेंशन है, जिसका नहीं होने उसका भी मेंशन है, ठीक है। आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चलिए डिप्लोमा का भी देखा जाए, ऐसी क्या बात है, डिप्लोमा का भी देखते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी देख लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग,
डिप्लोमा इंजीनियरिंग आईएनजी, इसका देखते हैं कब टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, 2 जून का टेस्ट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, यहाँ देख सकते हैं आप 2 जून को शेड्यूल है किसका, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। अब देख लेते हैं बीएड का देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे ना बीएड वाले भी होते हैं, बीएड का भी देख लेते हैं, इसमें कौन सी बात है, बीएड देख लेते हैं फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाना है, फटाफट देखते हैं कि बीएड का क्या मसला है, कब टेस्ट होगा, किसके द्वारा होगा, क्योंकि बीएड के लिए भी ना बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, जामिया में बहुत अच्छा बीएड की पढ़ाई होता है, तो बीएड का फीस तो 6,900 है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसके द्वारा होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए डिप्लोमा एलिमेंट्री का भी साथ में पता चल जाएगा, बीएड का जब पता चलेगा तो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिए बीएड जहाँ जहाँ है मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, अब इसमें साथ में बीएड का भी देख लेते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में किससे किसके द्वारा है वो भी देख लेते हैं। आप थोड़ा सा लाइन पे रहें, डिप्लोमा इन देखिए, यहाँ आपका डीएलएड का टेस्ट है 16 जून को है, तो डीएलएड में काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड बच्चे आते हैं, ये भी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक एजुकेशन वाला देख लेते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कब कब टेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन में जो चीज़ें हैं वो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो एजुकेशन में देखिए बीएड नर्सरी का टेस्ट है 16 जून को, और बीएड का स्पेशल का है 15 जून को, बीएड विजुअल का है 15 जून को, उसके पहले देखते हैं बीएड का 25 जून का, तो बीएड बता दिया, डीएलएड बता दिया, 25 जून ये रहा, और बीएलएलबी के देख लीजिए 18 जून को है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, और भी है, प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, मैं प्रोस्पेक्टस डाल दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को आपके फैमिली मेंबर्स को जरूर भेजिएगा कि पता चल जाए फॉर्म निकल गया है, क्योंकि अभी से मोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपको क्लास 6 का 9th का 11th का बीए बीएलएलबी का तैयारी करना है जामिया का, तो हम अपने एप्लीकेशन पर टीवाईटी क्लासेस पर तैयारी करवा रहे हैं, तो आइए आप लोग तैयारी कीजिए और शुरू होजिए, एक मोटिवेशन मिलेगा, फॉर्म निकल गया है तो तैयारी करने में करवाने में दोनों में मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय भारत।